सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। कांग्रेसी चेयरमैन परमजीत बत्रा ते ढींगरा परिवार च गोलियां चलन के मामले च ढींगरा परिवार आया सामने, इंसाफ की मांग करते झूठे परचे रद्द कराने की की गल। लुधियाणा के शिवपुरी इलाके च लगी भयानक अग, बैंक च आ रहे लोगों नूं पेश आ रही ने दिक्कतां। हलका कादियां च प्रताप सिंह बाजवा ने लगाया खुला दरबार, लोगों दी सुनियां मुश्किलां। परमजीत बत्रा ते उसके बेटे वालों दी शिकायत से कार्रवाई करदे पुलिस वालों जैमल सिंह ते हरदेव सिंह ते हुए परचे संबंधी उन्हां दे परिवारक मैंबरां वालों गुरु नानक देव हस्पताल च धरना प्रदर्शन किया गया अते झूठे परचे रद्द करन दी मांग कीती गई। इस संबंधी जैमल सिंह ते हरदेव सिंह दे परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि मौके ते हुई वारदात विच जैमल सिंह दी रिवालवर विचों कोई गोली नहीं चली ते हरदेव सिंह दी खुद लत्त विच गोली लगी है, जिसके चलदे हस्पताल प्रशासन वल्लों उन्हां नूं छुट्टी देण दी गल कीती जा रही है। उन्हां दे परिवारक मैंबरां जैमल सिंह ते हरदेव सिंह ते नजायज़ परचे रद्द कीते गए ने, उन्हां नूं रद्द कर सानूं इंसाफ दित्ता जावे। इस संबंधी जानकारी देंदिया पुलिस थाना रणजीत एवन्यू के SHO वारिस शाह ने दस्सिया कि हरदेव दे लगी गोली संबंधी डॉक्टरी ओपीनियन आने ते कार्रवाई अमल च लियांदी जाएगी, बाकी पुलिस निरपक्ष होकर अपनी जांच कर रही है। हलका पछमी दे वार्ड नंबर 85 दे पिंड काली विखे यूथ दे आप आगू संदीप सिंह दी अगवाई हेठ सन्मान समारोह करवाया गया, जिस दौरान हलका पछमी दे विधायक डॉक्टर जसबीर संधु ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके संदीप सिंह ने दस्सिया कि यह सन्मान समारोह पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो इलावा डॉक्टर जसबीर सिंह संधु की जित की खुशी विच रखा गया। इस मौके विधायक डॉक्टर जसबीर संधु ने कहा कि पंजाब दे लोकां ने जिस भरोसे ते पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उस भरोसे नूं कदे भी टुटण नहीं दिता जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब दे सूबा जनरल सकत्तर सरवन सिंह पंधेर की अगवाई हेठ जोन जंडियाला गुरु की जोन कमेटी की सर्वसम्मति नाल चोण की गई। मीटिंग उपरंत मते पास किए गए कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड विचों पंजाब की हिस्सेदारी खत्म कर चंडीगढ़ उत्ते पंजाब की हिस्सेदारी खत्म करने के नोटिफिकेशन रद्द किए जाण, MSP का गरंटी कानून बनाया जाए, लखीमपुर खीरी घटना के दोषियों को गिरफ्तार करके सजावं दित्तियां जाण, पेट्रोल डीजल दी लगातार वधदियां कीमतों खिलाफ जथेबंदी वालों तरन तारण अमृतसर मेन हाईवे जाम करके मोदी सरकार का पुतला फूकिया गया। आगुआ वालों पंजाब सरकार तो मांग की गई कि पंजाब विच पूर्ण नशाबंदी की जाए। लुधियाणा के न्यू शिवपुरी इलाके विच पंजाब नैशनल बैंक विच अचानक अग लगन नाल बैंक के सारे कामकाज ठप हो के रह गए, जिस कारण बैंक के बाहर कामकाज बंद होने के बोर्ड लगे हुए ने, जिसके सदका बैंक विच काम कराने लई आए लोगों को काफ़ी दिक्कतां पेश आ रही ने। इस बारे बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने तो साफ मना कर रहे हैं। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी ने पिछले 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेकर गल अप्रैल महीने की की जाए तो 2-3 अप्रैल के दौरान पारा पंजाब दे विच 38 डिग्री तक पहुंच चुके हैं, पंजाब के कई हिस्सों च 40 डिग्री तो भी पार चला गया, जिस कारण बीते कई सालों का रिकॉर्ड टुट चुके हैं। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मौसम विभाग वालों खुलासा किया गया कि उत्तर भारत में इन दिनों अंदर जो गर्मी पै रही, इन्नी गर्मी पहले कदे भी नहीं पई। उत्तर भारत में इस बार वैस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने करके बीते लगभग 1.5 महीने तक कोई बारिश नहीं हुई। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि आम तौर पर 27-28 mm बारिश मार्च महीने के आम देखने मिलती सी, 4-5 वैस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाती सन, पर इस साल कोई भी वैस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होने करके
बारिश नहीं हो रही है जिस कारण पारा लगातार वाधा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मई जून वाली आगामी मार्च अप्रैल शुरू हो चुकी है ते आने दिनों गर्मी होर वध सकती है। मौसम विज्ञानियों ने यह भी कहा है कि यकदम वध रही गर्मी फसल लिए भी काफ़ी नुकसानदेही है। उन्होंने यह भी दस्या है कि इस वक्त कणक की वाढ़ी का समय तो गर्मी वध पैन करके कणक के झाड़ से भी यदा असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें किसानों दसल पक चुकिया ने उन्होंने तुरंत कणक वढ़ लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल ही नहीं सगो पशु पंछियों जानवरों की मनुखी सेहत लिए भी वध रही गर्मी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जिस तरह कि हुण असीं देख रहे हैं कि टैंपरेचर साढ़े कोल जिहड़ा लुधियाने दा 38 डिग्री दिन दा जिहड़ा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर जे आपां पंजाब दी गल करिए तां 40 डिग्री तक भी जिहड़ा टैंपरेचर है पहुँच चुक्या है। सो जिस तरह कि आपां पिछले महीने की भी गल करते हैं तो मार्च के भी लगातार ही जिहड़ा गर्मी का प्रकोप जारी रहा है, टैंपरेचर जिहड़े ने बहुत हाई रहे हैं। क्योंकि जिस तरह आपां नॉर्मली गल करते हैं तो जिहड़ा मार्च का साढ़े कोल दिन का तापमान है 26.7 डिग्री जिहड़ा नॉर्मल हुंदा है, पर इस बार साढ़े कोल 31 डिग्री तक जिहड़ा वो रिकॉर्ड किया गया मंथली एवरेज है ना। सो जिहड़ा कि 4 डिग्री जिहड़ा नॉर्मल तो ज़्यादा रहा है। नगर पंचायत दफ्तर जोगा अगे नगर पंचायत वालों विकास कार्यों के रुके कामों नूं शुरू कराने लई धरना लगाया गया। यह धरना अज दूजे दिन भी जारी रहा। नगर पंचायत के प्रधान कामरेड गुरमीत सिंह ने दसिया कि नगर निगम के कुछ काम रुके हुए ने जिन्हों के टेंडर भी हो चुके ने। उन्होंने कहा कि कार्य साधक अफसर जेई ते ठेकेदार के वार वार ध्यान च लियाने के बावजूद भी उन्होंने वालों काम शुरू नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि हुण तां स्टे टूटी नूं भी बहुत दिन हो गए ने पर प्रशासनिक अधिकारियों वालों काम शुरू नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जेकर प्रशासन ने कामों नूं शुरू नहीं किया तो वह दफ्तर नूं ताला लाने लई मजबूर होणगे। उधर कार्य साधक अफसर दीपक सेतिया नाल जो इस संबंधी गल की गई तो उन्होंने कहा कि रुके कामों नूं जल्दी ही शुरू किया जाएगा। विधानसभा हलका कादियां दे विधायक प्रताप सिंह बाजवा वालों चोन जीतन तो बाद ये ऐलान कर दिता गया सी कि हफ्ते दे 7 दिन ही अपने हलके दे लोकां विच विचरणगे ते दर्जा बदर्जा प्रशासनिक अधिकारियां आम वोटरां ते अपने आगुआं दी हाजरी विच खुले दरबार लाउणगे। इस तों इलावा पिंडां ते कस्बियां विच वी ये दरबार लगणगे। इसे लड़ी तहत प्रताप सिंह बाजवा ने बीडीपीओ दफ्तर कानूवान विच ब्लाक कानूवान दे पंचां सरपंचां आम लोकां दीआं मुश्किलां नूं सुणन लई खुला दरबार लगाया। इस मौके उन्होंने वख-वख अधिकारियों ते लोकां दे कम्मां नाल संबंधित प्रशासन नूं काम करन दी हदायत जारी की। इस मौके प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वालों ते भगवंत मान वालों सरकार दे वालों वड्डे वड्डे वादे किए गए सन जिन्हां विच सब तो वड्डी गरंटी बिजली की 300 यूनिट मुफ्त सप्लाई की सी, पर अज एक महीना बीत जाने के बावजूद भी मान सरकार बिजली की सप्लाई बारे कोई फैसला नहीं लै सकी है। देखो सारे नो वड्डी समस्या तो यह है कि जेडे पिछे पंजाब निर्माण दे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पैसे दिते सी, साढ़े इस हल्के तकरीबन 5.5 करोड़ रुपया मिलिया सी, कुछ एम पी लैड फंडस दे पैसे सन तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया जिहड़ा कादियां दे वख वख पिंडां दे विकास वास्ते विशेष तौर गरीब वर्ग साढ़े ईसाई भाईचारा साढ़े दलित भरा साढ़े पिंडां दे निकास दे प्रबंधा दे पैसे साढ़े छप्पड़ां दी सफाई दे पैसे। मैनूं बहुत अफसोस है कि मौजूदा सरकार ने एक बदले की भावना, मैं समझना अफसोस की गल है, रवायती पार्टियां दे काम कर दिया मैं वेखिया सी ते सुनिया, नवीं पार्टी उसनों मैं उदन सा भगवंत सिंह मान जी नूं उत्थे भी अपील की, सा कुलदीप सिंह धालीवाल नूं भी कहा धालीवाल साहब वड्डे बनो वड्डा दिल विखाओ, इन्हां ग्रांटां नाल कुछ नहीं बनना, तुसीं ते जवानी नहीं सी वंडी तां तुहानूं लोक लै आए। बटाला दे गुरदासपुर रोड इलाके च देर रात चोरां ने जिथे गुरद्वारा साहिब चोरी दी वारदात नूं अंजाम दिता उथे उसी इलाके विच करियाने दी दुकान अते एक सैलून च चोरां ने वारदात नूं अंजाम दिता। दोवें वारदातां मौके ते लगे सीसीटीवी कैमरियां विच कैद हो गईआं ने जिस दे बिना ते पुलिस कार्रवाई कर रही है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस वालों नंगल विखे लंबे समय तो बंद पे कदंबा टूरिस्ट कंपलैक्स का दौरा किया गया। इस मौके दे नाल संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कदंबा टूरिस्ट कंपलैक्स का दौरा करने उपरंत पत्रकारों नाल गल करदिआं टूरिज्म मिनिस्टर हरजोत बैंस ने कहा कि यह पिछलियां सरकारां दी नलायकी है कि कदंबा टूरिस्ट कंपलैक्स वर्गे स्थानां नूं देखभाल ना करन दे करके बंद किया गया अते लखां करोड़ां दी प्रॉपर्टी खंडरां विच तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि जिथे कदंबा टूरिस्ट कंपलैक्स नूं मुड़ सुरजीत करन दे लई उह विशेष यतन करनगे, उथे नंगल नूं सैलानी हब वजों विकसित करन दे लई कंसलटेंटां दे नाल गल करके एक प्लान बनाया जाएगा।
इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्यवाद।